हाय फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर दो प्याज़ा, जो प्याज की कटिंग दो तरहों से होती है और अलग 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 जगहों पे इस्तेमाल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बॉल में 2 चम्मच के करीब दही लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच बेसन, ज़्यादा नहीं डालना है। अब दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे बिल्कुल। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे। 250 ग्राम पनीर है, इसको हम छोटे छोटे पीस में काट कर रख लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। अब अच्छी तरह मिल चुके हैं, देखिए सारे मसाले। अब एक कढ़ाई गर्म होने चढ़ा दिए थे हम, अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद जो हम सारी चीज़ें मिला के रखे थे पनीर में, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ज़्यादा पकाने से हार्ड हो जाएगा। इसलिए देखिए पनीर भुना गया है। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब इसको गरम कर लेते हैं सब पहले। अब तेल गरम हो गया है। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसको तड़कने देंगे सबसे पहले। अब इसमें 4 हरी मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 4 इलायची और 4 लौंग। अब इन चीज़ों को मिला देते हैं। इसी के साथ हम प्याज डाल देते हैं जो हम बारीक काट के रख लिए, 2 प्याज है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे हम। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। सभी को मिला देते हैं और साथ ही साथ डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच एक चम्मच मिर्ची पाउडर। अब इसको हम मिला देते हैं। अब इसको अच्छी तरह भूनना है हमें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब पूरी तरह से भुना चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर जो हम पीस के रख लिए हैं, इसको भी डाल देंगे इसमें। अब साथ ही साथ हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और देखिए कढ़ाई तेल छोड़ दिया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम
पनीर जो हम भून के रखे थे वो डाल देते हैं। और इसको 2 से 3 मिनट और भून लेंगे इसके साथ। अब देखिए पूरी तरह पनीर में मसाला लटपट हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। एक गिलास हम पानी डाल दिए हैं। अब इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब देखिए ये पूरा पानी खोल गया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी दिख रही है, कलर भी बड़ा प्यारा आया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब साथ साथ में हम डाल देंगे ये डाइज में कटे हुए प्याज, इसलिए पनीर 2 प्याज़ा नाम है इसका, क्योंकि 2 अलग अलग साइज में कटे हुए प्याज 2 अलग अलग जगहों पे यूज होता है। अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसका क्रंची चला जाएगा अगर जो ज़्यादा पकाएंगे तो। हमें इसी तरह का क्रंची ही चाहिए प्याज। और साथ ही में थोड़ी सी मलाई डाल देते हैं, अगर जो आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल दीजिए। ऐसे फ्रेश मलाई से भी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको मिला लेंगे। बस अब बन के तैयार हो गया है हमारा पनीर 2 प्याज़ा। पूरी तरह खाने के लिए तैयार है ये। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब देखिए पूरी तरह तैयार है खाने के लिए। अब अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, बनाइए, खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है।